नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी लाइव हेड न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक कुमार मिश्रा। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। रमजान के मौके पर लोग तरावी व रोजा इफ्तार घर पर करें। मटेरा थाना अध्यक्ष शेषमणि पांडे मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ में की गई मीटिंग। बहराइच जिला में कोरोना पॉजिटिव मिलने से रमजान का महीना शुरू होने के मद्देनजर पुलिस ने जारी किया फरमान। सभी रोजेदार अपने घरों में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पढ़े तरावी व रखे रोजा। शासन व प्रशासन द्वारा लॉकडाउन चल रहा था और सभी जिम्मेदार अधिकारी और पुलिस प्रशासन लॉकडाउन को सफल करने हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में जुटे हुए थे। जिले में कोरोना पॉजिटिव पाई जाने से जिला प्रशासन और सख्त हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा रमजान महीने में रोजेदारों को मस्जिद में एकत्र होने पर रोक लगाने के लिए सख्ती से पालन करने का सभी थाना अधिकारियों को निर्देश दिया गया। मटेरा थाना अध्यक्ष शेषमणि पांडे, उप निरीक्षक रियाज अहमद, हमराही उप निरीक्षक चंद्र प्रताप सिंह व पुलिस बल के साथ सरकारी वाहन से प्रचार करने सभी अल्पसंख्यक गांवों से मस्जिद पर जाकर ऐलान करते हुए देखे गए। वहीं पर मटेरा चौराहा स्थित पुलिस बूथ केंद्र पर मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ एक मीटिंग की गई, जिसमें थानाध्यक्ष ने बताया कि लॉकडाउन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी नमाजी व रोजेदार अपने घरों में रहकर तरावी पढ़े व रोजा इफ्तार घर पर ही करें। परिवार के साथ रहे, सुरक्षित रहे, कोई घर से ना बाहर निकले, क्योंकि देश इस समय कोरोना संक्रमण के दौर से गुजर रहा है और दिन प्रतिदिन लोगों की संख्या, कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ रही है। इसलिए सभी लोग अपने घरों पर रहें। जान है तो जहान है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नहीं पाया गया, साथ ही मस्जिद में समूह में नमाज पढ़ते पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस मौके पर ग्राम सभा प्रधान ननकू गुलाम, हजरत लाल साहब, रज्जब अली, हाजिम गुलाम, हजरत अली, रियासत हाजी, असलम दिलबहार, अतीउल्ला, सिराजुद्दीन खान सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सिराजुद्दीन खान की खास रिपोर्ट। नहीं तो अगर आप उसकी दिन में रहेंगे कि हमारा भतीजा है, हमारा बहन का है, हमारे भाई का लड़का है, हमारा फला रिश्तेदार है, तो उसका जो भी साइड इफेक्ट होगा वो सबको होगा, आपको होगा, उस पूरे परिवार को होगा, उसका होगा। समय रहते इसका आसान इलाज है, बस क्वारंटाइन और